अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टे टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है प्लॉट फॉर सेल के हवाले से और ये सेक्ट्रम है। ये सारी स्ट्रीट का व्यू है सेक्ट्रम और स्ट्रीट नंबर 16 है, हाइटेड लोकेशन है और इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट फॉर सेल है। ये सामने एग्जैक्ट प्लॉट की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ड्राइवे है, यहाँ से प्लॉट स्टार्ट होगा और इस साइड की तरफ आएगा और ये बेसिकली डेड एंड स्ट्रीट है। ये सामने आप देख सकते हैं और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है या फीचर है, इस साइड पे आपको ग्रीन एरिया मिलता है। ये साथ मैप अटैच है, आप देख सकते हैं, और एग्जैक्ट मैं आपको इसकी जो लैंड है वो दिखाता हूँ। ये आपको इसका ग्रीन पैच मिलेगा, ये सामने वाला, और इसके आगे वाटर चैनल है छोटा सा और मैप भी आपको नज़र आएगा। इस तरह से ये सारा डेड एंड है और ये सामने वाला हाउस भी डेड एंड है, इसके साथ भी ग्रीन लॉन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस प्लॉट का यहाँ से आपको बैक ओपन भी मिलता है, ये सामने वाला एरिया और लिविंग है। यहाँ पे सामने भी हाउस तैयार हो रहा है और इस तरह से राइट साइड पर भी तकरीबन दो हाउस मेरे राइट साइड पर हैं, सामने भी हाउस है। डेड एंड स्ट्रीट है, वेरी पीसफुल, और यहाँ से आपको हिल्स व्यू भी नज़र आते हैं। ये देखें, मैं आपको बड़ी डिटेल में जो इसके व्यू हैं फर्स्ट फ्लोर से या टॉप रूफ से आराम से आप देख सकते हैं। ये इस तरह से मरगला व्यू है सामने और ये सारा सेक्ट्रम का वो पार्ट है जो कंपैरेटिवली हाइट लोकेशन पे है। इसके आगे चले जाएँगे तो सिटी सेंटर का एरिया आएगा और इस साइड पर स्ट्रीट 15 सामने है और बाकी जो एरिया है स्ट्रीट्स का वो एरिया ये सामने वाली लाइन में आपको नज़र आता है, जिसमें स्ट्रीट 22, 23, 24, 25, 26 ये सारा वो एरिया है। और इसकी एक्सेस जो है सामने आप आएंगे, ये देखें, आगे राइट साइड पर जाएंगे तो रोड 1 आ जाएगा इस साइड पे, तो इजी एक्सेस है, एक्सेस में कोई मसला नहीं है, इजी अप्रोच है। और ये कंपैरेटिवली हाइटेड लोकेशन और ये एग्जैक्ट लोकेशन है प्लॉट की जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको नाला भी दिखा देते हैं ताकि आपका ये भी शक दूर हो कि पता नहीं कितना बड़ा नाला होगा। तो छोटा सा नाला है लेकिन मैप के ऊपर काफ़ी बड़ा शो होता है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर जो वॉल्स हैं उसकी वो काफ़ी पक्की वॉल्स हैं और इस तरह से करके ये जो नेचुरल नाले होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। और इस तरह से ये सारा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितना प्यारा लॉन बनाया हुआ है, ये देखें इस तरह से, तो ये इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये प्लॉट फॉर सेल है सामने, यहाँ से आपको पूरी मैं लेन दिखा देता हूँ। ये देखें पूरा इस तरह से आपको सराउंडिंग का एरिया एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये प्लॉट फ्यूचर प्लॉट है, इस तरह के प्लॉट काफ़ी रेयर होते हैं सेक्टर्स के अंदर। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर प्लॉट की है जिसमें आपको लॉन चाहिए, बैक ओपन चाहिए, ग्रीन एरिया चाहिए, तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। साथ मैप देखें, काफ़ी लैंड आपको इसके साथ मिल जाती है। तो ये प्लॉट फॉर सेल है, ये उन लोगों के लिए जो स्पेशल टाइप के प्लॉट देख रहे हैं या उनको लॉन वाले प्लॉट चाहिए, तो उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर एम के अंदर आपको बहुत कम प्लॉट मिलेंगे, बल्कि किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं तो इस तरह के जो डेड एंड प्लॉट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। और ऐसे प्लॉट्स की जो प्राइस होती है वो अपनी प्राइस होती है, तो ऐसे प्लॉट्स शौकीन लोग लेते हैं, आम बंदा ऐसे प्लॉट्स बाय नहीं करता। जिन लोगों ने घर बनाना है वो लोग इस तरह के प्लॉट्स बाय करते हैं। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट डेड एंड ग्रीन पैच के साथ है, बैक ओपन और ख़ूबसूरत व्यू इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस के लिए आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस का प्लॉट है, आम प्राइस पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग सीरियस हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।